6 अगस्त 1945 बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है। उस एयरक्राफ्ट में है लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। सुबह 8:15 यह बॉम्ब अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पे गिराया जाता है। उस दिन जो लोग सरवाइव कर गए थे इस बॉम्ब धमाके के बाद, वो लोग बाद में बताते हैं कि पहले एक तेज सा रोशनी चमकता हुआ दिखा, फिर उसके बाद ये एक ऐसा भयानक आवाज जिससे बहुत सारे सर्वाइवर्स का टेम्पररी हियरिंग लॉस हो गया। ब्लास्ट के बाद ही जमीन पे टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। लोग इंस्टेंटली वेपराइज हो गए, जिसकी परछाई हम आज भी देख सकते हैं। सडनली टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बहुत तेज हवा चलने लगी, सब कुछ वैनिश जैसा हो गया। 70% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स खत्म हो गया हिरोशिमा में। आसमान टॉक्सिक डस्ट और गैस से भर चुका था। आधा घंटा बाद बारिश आया, जो कोई आम बारिश जैसा नहीं था। बारिश की एक एक बूंद ब्लैक कलर की थी, जैसे कि मानो ग्रीस टपक रहा हो आसमान से। शहर अब शहर था ही नहीं।